खैर एयरवुल्फ से याद आया, यहाँ पर चारों टीम्स में से एक टीम ऐसी है जो बाकी एयरवुल्फ की तरह उड़ी है। आइए पहले उनसे बात करता हूँ, वो है हमारे ड्रैगन्स। ड्रैगन्स में थे कैसे भाई आप? ये ग्लासेस पहन के तुम मुझे मोहब्बतें के शाहरुख खान लग रहे हो। जी सर, है ना सर, क्या बोले है? मैं कह रहा हूँ यार, कैसे हो भाई? खैरियत से हो तुम? आप बताएं कैसे? फिर से मैंने बुला लिया तुम्हें, चैंपियंस का हिस्सा बना, जीत नहीं रहे थे। मैंने कहा किसको बुलाऊं किसको बुलाऊं, मैंने कहा एक प्रो प्लेयर बचा है मेरे पास जो सबसे खतरनाक प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट, तो मैंने बुलाया भाई जैन बलोच को अब चैंपियंस का हिस्सा बनने। ये टीम है तुम्हारी, इनको गौर से देखो, इनके चेहरे गौर से देखो, इनके साथ तुम्हें खेलना है, खेल लोगे? सर ये बहुत अच्छी टीम है। हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छी बस तुम्हारी कमी थी, अब तुम आ गए हो, तुम इस टीम को पूरा कर दोगे। मुझे यकीन है कि अब ऑनवर्ड्स जो सीजन है वो चारों टीम्स के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि समहाउ मुझे फील हो रहा था चैंपियंस की टीम जो है वो थोड़ी सी हल्की है या खेल रही है। अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। उमर माइक देना भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये क्या लास्ट में जीते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। वो लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला। जी सर, वो जो लड़कियों ने हैं, लड़कियां अच्छा खेली, अपनी बात करो मुझे। हाँ बताओ। नहीं सर, अभी जैन के भी आने से टीम को फर्क पड़ा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेल्ट उठा के ही ले जाएं। अब बेल्ट उठाने की बारी आ गई है जी। चलो अब आ गया है जैन बलोच चैंपियंस का हिस्सा बनने, देखते हैं भाई इस बार ये लोग बेल्ट जीतते हैं या नहीं। एक मिनट में खिलाड़ी कौन? That's the catch. Catch! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।